वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज की वीडियो है इंडोर के पीसीबी कार्ड के ऊपर है। ये रहा हमारे पास पीसीबी कार्ड, ओरिजिनल का लिया हमने, ये देखो दोस्तों। और ये कार्ड की डिस्प्ले है, ठीक है, जो कि ये रिमोट से कंट्रोल करते हैं ये डिस्प्ले से। और ये कंप्रेसर के लिए हमने ये कंडक्टर लिया है, जो कि कार्ड से निकलेगी कंट्रोल, और कंप्रेसर के लिए ये हमने कंडक्टर लिया है। और ये उसके आगे लाइट लगाएंगे कंप्रेसर की जगह, जब ये कंडक्टर ऑन होगा ये लाइट ऑन होगी। और ये इसकी ऑपरेटर मोटर है जो इंडोर की होती है, ठीक है दोस्तों। और ये हमने दो एक्सटेंशनें ली हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे, हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये हमारा मेन कार्ड है। सबसे पहले जो कनेक्शन है, सबसे पहले लाइन आएगी, फिर न्यूट्रल आएगी, ये कंट्रोल है जो कि कार्ड से 3 मिनट बाद आती है। अभी हम आपको इसके अंदर के बारे में बताएंगे। ये देखो दोस्तों, ये सप्लाई है, जो मेन सप्लाई हमने इधर दी है लाइन और न्यूट्रल, वो यहाँ पहुँच जाएगी। ये देखो यहाँ भी लिखी होती है लाइन और न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों। ये वाली जो हमने जो तार है ये वाली कंट्रोल की है, ये जो रिले दिखी हुई है यहाँ से, जब आप कार्ड को 220 दोगे 2 या 3 मिनट बाद, इसके अंदर टाइमर होता है, 3 मिनट के बाद ये कंप्रेसर की सप्लाई बाहर आती है। और ये जो जैक के, ये फैन मोटर का जैक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ऑपरेटर का, ठीक है दोस्तों। और ये वाला है डिस्प्ले का, जो हमने आपको डिस्प्ले दिखाई थी। और ये दो नीचे के जो दो जैक के हैं ना, ये स्विंग मोटर के हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो दिया हुआ जैक, ये इंडोर मोटर का जो कैपेसिटर है ना, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, थोड़ा अंधेरा है फिर भी नज़र आ रहा है, ये रहा, ठीक है। और ये दो सेंसर दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये कॉइल सेंसर है कि जो जहाँ लगा हुआ है, ये देखो, ये दो सेंसर के जैक दिए हैं, ये कॉइल सेंसर का है। जब ये आइस हो जाता है, या कंडक्टर स्टक हो जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होता ना, ये जब आइस आने लगती है कॉइल के ऊपर, जहाँ से कट ऑफ हो जाता है। और ये दूसरा जो सेंसर है ना, ये रहा, इसके अंदर से आ रही वायर, ये रहा, आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं, ये देखो दोस्त, ये वाला सेंसर है ना, ये वाला रूम टेम्परेचर का सेंसर है। क्या ये फ़ायदा है कि जितने पे आपने रिमोट से सेट किया टेम्परेचर ना, उतने पे ये कट ऑफ करवाता है कंप्रेसर को, जो कि आपका ऑपरेटर है जो इंडोर है वो चलता रहता है। अगर आपने ऑटो मोड में रखा फिर ये ऑपरेटर को भी बंद करवाएगा, जिसको हम इंडोर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम आपको 1v1 प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, हम अपनी सप्लाई दे रहे हैं, जो कि आपको बताया था, ये लाइन लग गई है, और ये दूसरी वाली हमारी न्यूट्रल है, ठीक है दोस्तों। अभी हम आपको आगे का बताएंगे। ये देखो दोस्तों, ये हमारी डिस्प्ले है, जो रिमोट से कम ज़्यादा ऑन ऑफ, जो कि सारे फंक्शन इससे होते हैं। अभी हम इसका जैक लगाएंगे, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, जो डिस्प्ले वो यहाँ लगेगी। ये डिस्प्ले लग चुकी है, और ये हमने साथ ही इंडोर मोटर ली है, इंडोर मोटर का भी आपको बताया था कहाँ जैक आएगा, वो भी लगा देंगे। ये देखो दोस्तों, और ये दूसरा, ये इंडोर मोटर का कैपेसिटर का जैक है, ये देखो दोस्तों, ये भी हमने लगा दिया है। आपको फिर से दिखा देते हैं, जो ये जैक है, जो कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, ये देखो नज़र आ रहा है। और ये इसको 2.5 का या 2.34 का कोई भी लगा सकते हो, मिनिमम आप अगर कंपनी देखोगे ना, कंपनी ओरिजिनल की 2.5 का लगाती है ऑपरेटर मोटर को, ठीक है दोस्तों। अभी हम आपको आगे का कनेक्शन बताएंगे। ये देखो दोस्तों, ये आपको जो बताया था, हम कंप्रेसर की जगह कंडक्टर यूज़ करेंगे। हमने ये 220 का लिया है क्वायर वोल्टेज, ये देखो आपको नज़र आ रहे हैं, ब्रांड न्यू लिया दोस्तों हमने। ये हमारे पास 2 पोल का 220 का कंडक्टर है, ये देखो दोस्तों। अभी हम आपको इसके कनेक्शन करके बताएंगे। ये देखो दोस्तों, जो हमारे कनेक्शन हैं कंप्लीट हो चुके हैं, हमने जो वायरिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अभी हम आपको 1v1 बताएंगे। ये देखो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये मेन सप्लाई दे दी है, ये लाइन और न्यूट्रल, इसकी ये एक्सटेंशन रही, ठीक है दोस्तों। और ये इसकी जो कंट्रोल है, जो जहाँ से 3 मिनट बाद आएगी, ये रही, इधर से 3 नंबर पे, वो हमने ये कंडक्टर पे लगा दी ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। और कंडक्टर के भी कनेक्शन कर लिए हैं, ये देखो,
ये कंडक्टर को जो हमने मेन सप्लाई दी है, ये वाली आपको नज़र आ रही होगी, और यहाँ से इसको लूप कर दिया, न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। और जब यहाँ से जो न्यूट्रल है हमने डायरेक्ट दे दिया, जब यहाँ से 3 मिनट बाद कंट्रोल आएगी, जो कंडक्टर ऑन हो जाएगा, जैसे सामने लाइट चलेगी, ठीक है दोस्तों, ये वाली लाइट, जैसे कि आपको हमने बताया था, ये डिस्प्ले के कनेक्शन है वो भी हमने कर लिए हैं, ये देखो दोस्तों। और ये ऑपरेटर मोटर के भी कंप्लीट हैं, और ये इसके कैपेसिटर के हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम आपको चालू करके दिखाएंगे, रिमोट से भी कैसे काम करती है वो भी दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखो, यहाँ से आपको हम सप्लाई चेक करके दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, सप्लाई आ रही है, आपको नज़र आ रही होगी, ये न्यूट्रल है, ये कंट्रोल है। जब ये ऑन होगा कार्ड, 2-3 मिनट बाद ये लाइट ऑन हो जाएगी, जो कि हमने कंप्रेसर की जगह यूज़ की है। अभी हम आपको ऑन करके दिखाते हैं रिमोट से। ये देखो दोस्तों, ये इसका रिमोट है, और ये इसकी डिस्प्ले, ये देखो ऑन करते ही ये देखो जो साइन आ चुका है, सबसे पहले ऑपरेटर मोटर चलेगी, वो देखो दोस्तों जो कि चल चुकी है। अभी जो इसकी जो कंट्रोल है, 2 या 3 मिनट के बाद आएगी, थोड़ा टाइम वेट करो दोस्तों। हम थोड़ा वीडियो को स्किप करते हैं कि टाइम की, नहीं तो फिर अपनी जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, जो कंप्रेसर की लाइट ऑन हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये कंट्रोल आएगी तो लाइट ऑन हो जाएगी। ये हमने कंप्रेसर की जगह यूज़ की थी, ठीक है दोस्तों। ये हमने उल्टा इसलिए रखा है कि लाइट बहुत ज़्यादा है, फिर वीडियो ख़राब हो रही है। ये देखो दोस्तों, हमने अपना जो टेम्परेचर है 18 पे रखा हुआ है। आपको जितना रूम टेम्परेचर सही हो उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ये हमारी जो आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आपको बताया था, ये पीसी बोर्ड है, ये ऑपरेटर के लिए यूज होती है मोटर, और ये डिस्प्ले जो कि जहाँ से रिमोट कम ज़्यादा कोई भी मोड चेंज कर सकते हो, ऑटो पे रखना, ड्राइव पे, फैन पे, कैसे भी आप चेंज कर सकते हो। कूलिंग को भी ऑटो मोड पे रख सकते हो, जैसे कि यहाँ बताया गया, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। अगर हमारा नया चैनल है यूट्यूब पे, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी हम आपको बंद करके दिखाएंगे, ये देखो दोस्तों, और देखो दोस्तों, हमारा जो पूरा सेटअप बंद हो चुका है।